और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मूलचंद शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया है। साइबर अटैक की अगर बात की जाए तो उस पर किया गया है। हैकर ने फेसबुक पर आपत्तिजनक वीडियो भी डाल दी और ये सोशल मीडिया की आईडी हैक होने पर मूलचंद शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जिसने भी यह हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साइबर क्राइम की टीम को इस बात की जानकारी दे दी गई है। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति होगा जिसने ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। फेसबुक आईडी हैक कर ली गई थी और उस पर एक आपत्तिजनक वीडियो डाल दी गई थी हैकर की तरफ से, और जैसे ही इस बात की जानकारी मिली उसके बाद मूलचंद शर्मा की तरफ से साइबर क्राइम पुलिस को भी ये जानकारी दे दी है। कारण हो सकते हैं, मुझे जानकारी मिले कि मेरी फेसबुक आईडी हैंग कर ली है और जिस तरह की ये हरकत की है, जिस भी साथी ने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए और ये राजनीति का कोई पैमाना नहीं है इस तरह से करने का, और जिन लोगों ने इस पर ये हैंग करके इस तरह की फोटो डाली है, अगर मुझे जानकारी मिली इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और मैं सीपी को बुलाया, साइबर क्राइम को भी जानकारी दी, मेरी सारी टीम आईटी की सेल इस पर लगी हुई है ऑफिस कितनी कि इस तरह की जो मेरे साथ मेरी फेस आईडी पर है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं। राजेंद्र दे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से। राजेंद्र, किस तरह से ये जानकारी लगी कि ये जो आईडी है वो हैक हो चुकी है और कितनी देर बाद पता चला? अभी फिलहाल साइबर क्राइम की जो टीम है वो इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? विनय, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, दिग्गज नेता हैं, तो उनकी आईडी जो है कुछ शरारती तत्वों ने हैक कर लिया और इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब उनके समर्थकों ने उनको फोन करके बताया कि आपकी आईडी पे इस तरीके की जो वीडियो है वो डली हुई है। तब जाकर उन्हें पता चला कि उनकी आईडी हैक हो गई और उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी विनय। और राजेंद्र, क्या अब ये कंट्रोल में है आईडी या फिर अभी भी है कि है? क्या इसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया गया है या फिर मूलचंद शर्मा ने अब टीम के जरिए इसको कंट्रोल में ले लिया है? देखिए, साइबर पुलिस है जो इस पर काम कर रही है और जल्दी दावा उनकी तरफ से भी किया गया है कि आरोपियों को पकड़ा जाएगा, किसने हैक किया है, इन तमाम बातों को लेकर पुलिस अभी कोई खुलासा करने को तैयार नहीं है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फेसबुक आईडी जो है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की हैक कर ली गई, उस पर आपत्तिजनक वीडियो डाली गई, कुछ समर्थकों ने, कुछ जो फॉलो करते हैं उनको, उन लोगों ने बताया मूलचंद शर्मा को, जिसके बाद मूलचंद शर्मा ने तुरंत ही साइबर क्राइम की टीम को ये जानकारी दे दी।